हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। फ्रेंड्स, आज मैं आपके साथ शेयर करने वाली हूँ बहुत ही यूज़फुल ऑर्गेनाइज़र। तो वीडियो लास्ट तक ज़रूर देखिएगा और अगर पसंद आए तो 1 लाइक ज़रूर कीजिएगा। और आज हम बेडशीट का रीयूज़ करके बनाने वाले हैं बहुत ही प्यारा ऑर्गेनाइज़र। तो फ्रेंड्स, ये वाली वीडियो लास्ट तक ज़रूर देखिएगा। तो फ्रेंड्स, यहाँ पर मैंने 2 पीसेज लिए हुए हैं इस तरीके से। ये देखिए, कॉटन फैब्रिक पीस मैंने यहाँ पर लिया हुआ है और इसी के साइज़ का मैं ट्रांसपेरेंट प्लास्टिक भी इसी के साइज़ की कट करूँगी। ये इसकी लंबाई चौड़ाई हमने, इसकी चौड़ाई रखी है 9 इंच और इसकी लंबाई रखी है हमने 18 इंच। फ्रेंड्स, इस तरीके से पहले हम इसकी कटिंग कर लेंगे। ये देखिए, और तीनों पार्ट हमने इस तरीके से यहाँ से जोड़ दिया है, स्टिच कर दिया है इसको। ये देखिए, इसका इंच हमारा है 18 इंच की लंबाई है और इसकी 9 इंच की चौड़ाई है। तो फ्रेंड्स, ये हमारा बेस बन गया है। और अब हम किसी भी पुरानी बेडशीट का यूज़ करके, जो बेडशीट आपकी ख़राब हो गई हो या तो फिर इस तरीके की पॉलिस्टर बेडशीट जिसे आप बिछाना नहीं चाहते हो, तो आप इस तरीके से पुरानी हो गई हो तो आप इसका ऑर्गेनाइज़र बना सकते हैं। तो यहाँ पर मैंने इस तरीके का सॉफ्ट कपड़े का यहाँ पे ऑर्गेनाइज़र मैं बनाने वाली हूँ। तो इसको भी मैं इसकी चौड़ाई 9 इंच ही लूँगी और इसकी लंबाई हमें इससे तिगुना लेनी है। फ्रेंड्स, ये 18 इंच है तो हमें 54 इंच मतलब 54 इंच की इसकी लंबाई लेनी है। तो इस तरीके से, अगर आपका कपड़ा उतना लंबा नहीं है, आपकी बेडशीट लंबी नहीं आ रही है, तो फ्रेंड्स इस तरीके से आप 2 तरीके से इसको स्टिच कर सकते हैं, 2 पार्ट करके, तो उतनी आपकी लंबाई आ जाएगी। ये देखिए, इस तरीके से यहाँ से मैं एक्स्ट्रा कपड़ा जोड़ दूँगी। फ्रेंड्स, ये ज़्यादा हो जाए, कम ना हो कपड़ा, तो इस तरीके से हम जोड़ देंगे इसमें। और अब हम इसके साइड में पाइपिंग करेंगे। तो यहाँ पे मैंने एक पतली पट्टी कट की हुई है कॉटन, और इस तरीके से मैं इसमें लगाऊंगी इसको। ये देखिए, और यहाँ से सिलाई करने के बाद हम यहाँ से इसकी पाइपिंग कर देंगे। ये देखिए, और इसके दोनों साइड में हम इस तरीके से लगा देंगे। देखिए, मैंने यहाँ पे पाइपिंग दोनों तरफ लगा दी है। और इसी तरीके से हम ऊपर नीचे की ओर भी इसकी पाइपिंग करेंगे। ये देखिए, मैंने इसके साइड साइड में पाइपिंग लगा दी है और नीचे भी अब हमें इसी तरीके से पाइपिंग लगा देना है। और ये जो हमने बेस बनाया हुआ था, उसके भी साइड साइड में और ऊपर नीचे की ओर भी हमें पाइपिंग कर देनी है इसी कपड़े की, रेड कपड़े की। हमें इस तरीके से इसकी भी पाइपिंग लगा देनी है। और अब हमें इस तरीके से, ये हमारा 18 इंच का बेस है, तो हमें इसके 6-6 इंच पर इस तरीके से निशान लगाना है। ये देखिए, यहाँ से मैं 6-6 इंच की दूरी पर निशान लगा रही हूँ। ये मैंने 1-6 इंच की दूरी पर लगाया है और दूसरा इसी तरीके से मैं, ये देखिए, इस तरीके से बिल्कुल सीधी, आप चाहे तो लाइन भी खींच सकते हैं। और इस तरीके से दोनों साइड में 6 इंच और फिर वहाँ से फिर 12 इंच की दूरी पर हमें निशान लगाना है। 6, 6, 12 और 6, 18, ये हमारा 2 निशान लग गया 6-6 इंच की दूरी पे, और ये 18 पे ख़त्म हो गया। तो सबसे पहले हमें ये वाला जो पाइपिंग किया हुआ था, एक कॉर्नर से दूसरे कॉर्नर को हमें बेस में इस तरीके से जॉइंट कर देना है। यहाँ से स्टिचिंग कर देनी है इसकी। तो सबसे पहले हम यहाँ से इसको स्टिच कर देंगे। ये देखिए, मैंने यहाँ से इसको स्टिच कर दिया है। और अब हमें ये ऊपर वाला जो पार्ट है हमारा, ये काफ़ी लंबा है, तो इसको हमें 10 इंच लेना है। यहाँ से देखिए, ये मैंने 10 इंच लिया है, और जो हमने 6 इंच की दूरी पर निशान लगाया हुआ था
वहाँ पे हमें रखना है, ये देखिए इस तरीके से 10 इंच हमें ऊपर वाला लेना है, और जो हमने 6 इंच की दूरी पर निशान लगाया था तो वहाँ रखना है। यहाँ पे मैंने पिन लगा दिया है जहाँ से हमें ज्वाइंट करना है, तो दूसरे साइड में भी इसी तरीके से 10 इंच लेना है, और फिर यहाँ पे भी मैं एक पिन लगा दे रही हूँ। स्टिचिंग के बाद मैं इसे निकाल दूँगी, ये देखिए। और हमें अब इसके बिल्कुल सीधी सिलाई करनी है इस तरीके से, यहाँ पे इसके ऊपर से ही। और मैं सिलाई करके आपको दिखाती हूँ कि किस तरीके से हमें इसको सिलना है। बिल्कुल सीधी हमें, ये देखिए, इस तरीके से बिल्कुल सीधी सिलाई चलानी है, और ये इस तरीके से हमारा ऊपर वाला पार्ट बन जाएगा। ये देखिए, ये कुछ इस तरीके का आएगा। और अब हमें इसी तरीके से फिर से यहाँ से 10 इंच की दूरी पर इसे निशान लगाना है। ये देखिए, यहाँ से फिर हमें 10 इंच लेना है, और इस तरीके से मैंने यहाँ पर 10 इंच की दूरी पर निशान लगाया है। ये देखिए, दोनों साइड में हमें 10-10 इंच की दूरी पर निशान लगाना है। और फिर जो हमने दूसरा वाला 12 इंच पे यहाँ पे निशान लगाया था 6 इंच छोड़कर, तो फिर ये वाला पार्ट हमें वहाँ पे रखना है, और फिर इसकी भी हमें इसी तरीके से सीधी सिलाई कर देना है। तो ये देखिए, हमने इस तरीके से सिल लिया है, और फिर मैंने 10 इंच इसी तरीके से लिया है, और फिर लास्ट वाले में भी मैंने इसको लगा दिया है, ये देखिए नीचे की ओर। और अब हम इसको पलट देंगे, और अभी मेरा कपड़ा ऊपर वाला बचा है क्योंकि ये लंबा है कपड़ा, तिगुना कपड़ा लिया मैंने। तो इस तरीके से अब जिस तरीके से मैंने 10-10 इंच की दूरी पर उस साइड लगाया था, उसी तरीके से इस साइड भी 10-10 इंच की दूरी पर हमें इसको लगा देना है, ये देखिए। बट इसको लगाने से पहले कपड़ा हमारा ज़्यादा है तो ये इसमें एडजस्ट हो जाएगा। तो सबसे पहले जो हमारा ऊपर वाला, जो हमने नीचे वाले साइड की पॉकेट लगाई, उसके बाद यहाँ से जो कपड़ा बचा यहाँ पे थोड़ा सा हमें कपड़ा छोड़ना है, ये देखिए इस तरीके से पॉकेट दूसरे साइड में लगाने से पहले। और यहाँ से इतना इतना छोड़कर हमें यहाँ पे इसकी सिलाई करनी है, ये देखिए मैं दिखाती हूँ कैसे। यहाँ पर ये देखिए इस तरीके से मुझे होल बनाना है यहाँ पर, ये देखिए इस तरीके से हमने यहाँ पर होल बना लिया है, और ये कपड़ा इसमें हो गया है। और फिर अब हमें इसी तरीके से 10-10 इंच कपड़ा लेना है, और फिर यहाँ यहाँ से दूसरे साइड से भी इसको सिल देना है। तो ये हमने दोनों साइड में इस तरीके से सिल लिया है, इसकी स्टिचिंग हमने कर दी है, और ये इस तरीके से दोनों साइड से बिल्कुल सेम बन गया है, ये देखिए इस तरीके से। और अब हमें इसमें जो हमने यहाँ पे होल बनाया हुआ है, मैं दिखा रही हूँ, यहाँ पे जो हमने होल बनाया था छोटा सा जो, तो यहाँ पे ऊपर की ओर, तो यहाँ से हमें ये पतली पाइप हमें यहाँ पे लगानी है, जो कि हमारा ऑर्गेनाइजर बिल्कुल स्ट्रेट रहे। और इस तरीके से हम एक छोटा सा लूप लगाएंगे यहाँ पे, यहाँ पे इस तरीके से छोटा सा लूप लगा देंगे, और ये हमारा ऑर्गेनाइज़र बनकर बिल्कुल रेडी है। ये देखिए इस तरीके से आप अपने वार्डरोब में भी इसे लगा हैंग कर सकते हैं, या फिर आप अपने शू ऑर्गेनाइज़र के बेस पे भी आप इसे लगा सकते हैं, आप यूज़ कर सकते हैं इसको, या फिर आप इसमें बहुत सारे अपने लॉन्ड्रीज वगैरह भी रख सकते हैं। और इस तरीके से ऑर्गेनाइज़र बनाकर आप अपने वार्डरोब में या फिर अलमीरा में हैंग कर सकते हैं। आप चाहे तो इसे किचन के पर्पज़ से भी यूज़ कर सकते हैं। तो इस तरीके से मैंने यहाँ पे इसको हैंग कर दिया है, मैं हैंग करके इसको दिखा रही हूँ कि ये किस तरीके से आपको यूज़ करना है। ये देखिए यहाँ पे मैंने हैंग किया हुआ है, और यहाँ पे मैंने काफ़ी चीज़ें रखी हैं जो भी आप जिस भी पर्पज़ से चाहे रख सकते हैं, और जिस भी पर्पज़ से चाहे इसको यूज़ कर सकते हैं। तो यहाँ पे मैंने अपने ट्यूब्स वगैरह भी रखे हुए हैं, और यहाँ पे टी शर्ट्स वगैरह रखे हुए हैं, यहाँ पे बेबी शूज़ रखे हैं, ये देखिए इस तरीके से। और यहाँ पे मैंने अपना क्लच रखा हुआ है, और यहाँ पे साइड में भी मैंने बेबी शूज़ रखे हुए हैं। तो आप अगर इसको सिंपली खाली शूज़ के
पर्पज़ से बनाना चाहते हैं शूज़ ऑर्गेनाइज़र, तो उसको उससे भी बना सकते हैं, या तो फिर आप अपने छोटे मोटे सामान भी इसमें, छोटे मोटे कपड़े इसमें रख सकते हैं और फिर इसको हैंग कर सकते हैं, जो कि आपको जल्दी से मिल जाएगी। और इसमें टॉवल्स वगैरह भी आप अपने रख सकते हैं, आप अपने स्टॉल्स वगैरह भी रख सकते हैं, जो कि हमें वार्डरोब में जल्दी मिलते नहीं हैं छोटे सामान। तो इस तरीके से आप इसको हैंग कर दें तो आप जल्दी से अपने वार्डरोब से ढूंढ सकते हैं। ये देखिए यहाँ पे मैंने टी शर्ट्स वगैरह भी फोल्ड करके रखी है, तो आप अपनी न्यू टी शर्ट्स वगैरह भी इस तरीके से फोल्ड करके रख सकते हैं। तो फ्रेंड्स, ये वाला वीडियो आपके कितने यूज़फुल था ये मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा, और वीडियो पसंद आई हो तो नीचे लाइक का बटन आ रहा होगा ज़रूर दबा दीजिएगा, और अगर आप मेरे चैनल पर पहली बार आए हैं तो मेरा चैनल सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय बाय।